आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं श्री चंद्र बदनी सिद्धपीठ के। चंद्र बदनी मंदिर देवी सती की शक्तिपीठों में से एक है और ये एक धार्मिक स्थान है। चंद्र बदनी मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और लगभग समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अभी हम जहां खड़े हैं, इस जगह का नाम लक्ष्मोली है। हमें चंद्र बदनी देवी मंदिर जाने के लिए यहां से बाई ओर जा रही सड़क से होके जाना है, तो आइए चलते हैं चंद्र बदनी देवी मंदिर की ओर। लक्ष्मोली से इस मंदिर की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ का सड़क मार्ग बेहद संकरा है और इस मार्ग पे बहुत सावधानी से जाना पड़ता है। अभी हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है। हमें सामने दिख रही पर्वत की चोटी पे जाना है जो अभी 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दूर दराज पहाड़ों में बसे खूबसूरत गांव का नजारा दिल को बहुत लुभाता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पहाड़ हमें अपनी ओर बुला रहे हों। आइए आगे बढ़ते हैं चंद्र बदनी मंदिर की ओर। हमें अभी 23 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और यहां से चंद्र बदनी मंदिर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। चंद्रकूट पर्वत का ये दृश्य बेहद आकर्षक और मनमोहक है। हम पहुंच चुके हैं चंद्र बदनी पार्किंग स्थल में और यहां से अब हमें पैदल मार्ग से होके मंदिर तक जाना है। तो आइए इस द्वार से प्रवेश करते हैं चंद्र बदनी पैदल मार्ग के लिए। यहां से चंद्र बदनी मंदिर तक का पैदल मार्ग लगभग 20 मिनट का रास्ता है। यहां रास्ते में आपको मां चंद्र बदनी के भक्तों की लंबी लंबी कतार मिलेगी। मंदिर तक ये मार्ग खड़ी चढ़ाई का है। चढ़ाई करते वक्त आपकी सांसें और दिल की धड़कन चंद्र बदनी माता का जयकारा लगाती हैं। यहाँ की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ से नीचे की ओर दूर दूर तक विशाल पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी ओर लुभाती है। लंबी चढ़ाई पार करके आखिर हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्र बदनी मंदिर में। आइए प्रवेश करते हैं माता के मंदिर की ओर। ऊपर की ओर स्थित माता के मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 80 से 90 सीढ़ियां पार करनी हैं। माँ चंद्र बदनी की ऐसी अलौकिक शक्ति है कि इतनी चढ़ाई करने के बाद भी हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। आपको यहाँ हमेशा माँ चंद्र बदनी के भक्त लोग माता के वाद्य यंत्र में नृत्य करते हुए दिखेंगे, जो उन्हें एक अनोखी अनुभूति देता है। चंद्र बदनी माता के मंदिर के ठीक नीचे भगवान शिव अपने शिवलिंग और बैल नंदी के साथ विराजमान मिलेंगे।
तो आइए चलते हैं माता के मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ हमेशा आपको माँ चंद्र बदनी के भक्तों की लंबी कतार मिलेगी और हमें भी माँ चंद्र बदनी के दर्शन करने के लिए कतार में लगना होगा। चंद्र बदनी शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई विशेष आकृति या मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माता के प्रतीक के रूप में एक श्रीयंत्र स्थापित है। इस श्रीयंत्र में इतना तेज है कि नंगी आँखों से उसके दर्शन करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। सिद्धपीठ चंद्र बदनी मंदिर में जो भी भक्त एवं श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ मन्नते मांगने आता है, माँ चंद्र बदनी भक्त एवं श्रद्धालु की मन्नतों को पूर्ण कर देती है। श्री चंद्र बदनी सिद्धपीठ की स्थापना की पौराणिक कथा देवी सती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को छोड़ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। देवी सती की मां के अलावा किसी ने भी वहां सती का स्वागत नहीं किया। यज्ञ मंडप में भगवान शंकर को छोड़कर सभी देवताओं का स्थान था। देवी सती ने अपने पिताजी राजा दक्ष से भगवान शंकर का स्थान न होने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने उनके बारे में अपमानजनक शब्द सुना डाले, जिस पर गुस्से में देवी सती यज्ञ कुंड में कूद गईं। सती के भस्म होने का समाचार पाकर भगवान शिव वहां आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव शोक करते हुए सती का जला शरीर कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। उस समय प्रलय जैसी स्थिति आ गई। सभी देवता शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। इसलिए जहां जहां सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर सती का शरीर यानी बदन गिरा था, इसलिए यहां का नाम चंद्र बदनी पड़ा। ये कहा जाता है कि सती का बदन भाग इस स्थान पर गिरने से देवी की मूर्ति के कोई दर्शन नहीं कर सकता है। पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां चंद्र बदनी को स्नान कराते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहां शक्तिपीठ की स्थापना की थी। चंद्र बदनी मंदिर परिसर में सुबह से लेकर शाम तक शंखनाद और माता के गाजे बाजे गूंजते रहते हैं। इस शक्तिपीठ की शक्तियों का एहसास करने के लिए एक बार आप भी यहां जरूर आएं। दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही था। हम दुआ करते हैं कि मां चंद्र बदनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।